walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. तो ये देख सकते हैं, ये गाड़ी है, हम लोग आने के बाद ये गाड़ी ये है। तो अभी हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। हम दिखाने वाले ये पहली गेट है, तो ये गेट है, तो गेट आगे से खुला हुआ है। तो हम चलो अंदर का कुछ नज़ारा दिखाएंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के ऊपर बड़े बड़े कुछ कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कुछ कुछ लिखा, राजबाड़ी। मतलब राजबाड़ी नाम इसलिए रखा गया है, प्रसिद्ध इसलिए है कि बहुत राजा महाराजाओं का एक काल में एक यहाँ पे रहते थे, इसलिए इसका नाम राजबाड़ी रखा गया है। इसलिए आप देखते पत्थर की इस मूर्त देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं बोचरा पत्थर है, मतलब एक्चुअली पत्थर को देखने के लिए आदमी लोग ज़्यादा आता है। मतलब पत्थर का जो डिज़ाइन है देख सकते हैं आप लोग, इसका जो डिज़ाइन है ना, एक्चुअली ये गेट के डिज़ाइन लग रहा है। ये गेट से तोड़ के रखा गया है। और यहाँ पे गोल और मतलब बहुत सारा चीज़ें जो है हमने की तरफ पहुँच किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा महाराजा का जो जिस तरह से आकृति है, जो आकार है, इस तरह का आकार बना कर गया है। तो ये रहा, तो फिर हम अंदर की तरफ इसको ले करके अंदर की तरफ हम प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से आप पत्थर की आप डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो और हम सेकेंड मूर्त आप देख सकते हैं यहाँ पे, किस तरह से राजा महाराजाओं का ये घोष का थोड़ा जान। तो मन हेलो एवरीवन, ये देख सकते हैं पत्थर की मूर्त है। पुराने कालों में क्या करते थे कि राजा महाराजा इस तरह घुमाने से दौर खुल जाते थे। इसी तरह का हम देखते हैं यहाँ पे दौर खुलता है कि नहीं, या तो खुल नहीं रहा है, मगर आज इस बार क्या है, अभी आधुनिक है, इसलिए अभी दौर निकले। पुराना राजाओं का जब रहते थे उस समय में ऐसे करने से, घुराने से या उसको मूवमेंट करने से दौर खुल जाता है। चलो हम आगे की तरफ दिखाएंगे। तो हमारे बाएं और दाएं तरफ देख सकते हैं यहाँ पे पुराने पत्थर की पत्थर हैं। यहाँ पे राजा महाराजाओं का जो शासन चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे यहाँ पे। तो उसकी मूर्त जो यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो मूर्त है, ये एक की तरफ एक डिजाइन आकार जो है और इसी तरह का है। हमारी राइट साइड की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर पर ये जो गेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जिस तरह का मूर्त है आप सभी हम मूर्त दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से आकृति है उसकी, पुराने कालों से एक परंपरा है यहाँ पे। तो इसकी जो मूर्त है, जिस तरह से आकार है, तो हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। अंदर पे हम प्रवेश करेंगे तो आप हमारे इस मंदिर की आप यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे पुराने राजाओं के यहाँ पे कम से कम दिया बत्ती रखते थे यहाँ पे। तो और हम इसकी अंदर की तरफ प्रवेश कर नहीं सकते हैं। तो ये शिव मंदिर है, आप सबके स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो इस पुरानी जगह पे आया है तो कम से कम शायरी जरूर बनता है। कोई मंदिर में दिया नहीं, कोई मस्जिद में दुआ नहीं, खुदा बहुत आदमी का कोई पता नहीं। मैं भीड़ हूँ, मैं शोर हूँ, इसलिए मैं कोई और हूँ। बहुत सारे रंग आए गए मगर कोई रंग मुझे चढ़ा नहीं। जाम जहर दवा क्या क्या है, मैं आ गया हूँ इंतजाम क्या क्या है। मैं अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह, कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर लोगों का सलाम होगा। मेहनत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। न संघर्ष न तकलीफ तो जीने में क्या मजा, बड़े बड़े तूफाने थम जाती है जब सीने में आग लगती है। वाह 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 वाह, तो मेरे शायरी और मेरे जो राजबाड़ी जो है कैसे लगा, अच्छे करने से ऐसे लगने से लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो गाना भी है मगर बाद में गाना गा। सो गाइस, यहाँ पे मतलब बहुत तरीके के डिज़ाइन किया हुआ है, देख सकते हैं आप, ज्योमेट्री का डिज़ाइन लग रहा है।
আপনাদেরকে চাই আছে ইয়াত চাবা পারিবা যে খিলর গুটি পাথর দিয়ে পুরোনা যে পখাখিনি যখন চলি আছে সেই সময়ের মানে যুগর পুরানি খিলগুটি ইয়াতে আর লগতে আমার আপনি চাব পাইব এই যে উপরখানি যে মন্দির এখন শিবর মন্দির ইয়ার মানে রাজবাড়ির সবতকে মানে ইয়াতে হে এইখান মন্দির হে মেন রাজবাড়ি আপনাদের নিশ্চয় চাই আছে আর সিফালে চাব এখন মন্দির চারিওফালের পর যে পরিবেশ ইয়ার পরিবেশ বেলেগ ধরনের পরিবেশ আপনাদের নিশ্চয় চাবা আপনার যদি যদি সকলের কাছে টাইম যদি থাকে আপনার হাতত নিশ্চয় আমার এই রাজবাড়িখন ঘুরবর কারণে বহুত মানে মজার জায়গা আপনার আহি আর বুম বুম মানে বহুত মজা আর কি কম আর কবলগে কোনো কথাই নাই নিশ্চয় আহিব আমার ইয়াতে। यहाँ पे राजबाड़ी का सबसे जो मेन मंदिर यही का है तो बड़े बड़े आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से खंभे हैं यहाँ पे जो पुराने कालों का जो प्रशासनिक कालों में जो चल रहा है एक घर जो बना रहे थे उसी का ये खंभा है यहाँ पे तो हम और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े से घास हैं बोट घास कहते हैं इसको देखें यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग है तो हमारे और इस तरह हम जाएँगे बड़े बड़े पत्थर तो हम सामने की और शिवलिंग है चलो वहाँ चल के हम देखते हैं तो चलो चलते हैं यहाँ पर तो यह रास्ता इसी रास्ते होकर हम गुजारना पड़ेगा तो बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े जो ऊपर वाला के मूर्त देख सकते हैं यहाँ पे बूम बूम जिस तरह से आप जा सकते हैं बहुत तकलीफ होगा यहाँ पर आना तो इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर बेहतर बड़े बड़े मूर्त यहाँ पे जो पुराना कालों में जो जितने भी सैनिक थे ये उठाकर एक दूसरे को खंभे जोड़ते थे घर बनाते थे राजा महाराजा का वार करते थे यह देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आप ज़रूर आइए यहाँ पर आप घूमने के लिए कितनी सुंदर जगह है यहाँ पर कितनी सुंदर बताओ तो मेरे चैनल को अच्छे से लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर की जो मूर्त है बड़े बड़े पत्थर की जो प्रतिमा है आप इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आप हमारे यहाँ पर हम जाकर दिखाएंगे तो किस तरह का है ये जिस तरह का परिस्थिति आप ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे तो फिर यहाँ पे जिसकी आप देख सकते हैं इसकी जो मूर्त जो है आप देख सकते हैं पुराना कालों का जो परम्परा है तो चलो आगे की तरफ हम जाकर दिखाएँगे दो राजा महाराजाओं का जो जिस तरह से शासन करते थे जिस तरह से चलाते थे उसी प्रकार के हर एक जगह पे आप उसकी परिस्थिति देख सकते हैं यहाँ पे ये गणेश की मंदिर प्रतिमा यहाँ पे किस तरह से बनाया गया जिस आर्किटेक्चर ने बनाया बहुत सुंदर सोच समझ के बनाया गया है यहाँ पे तो आप देख सकते चारों तरफ उसके नज़ारा दिखा सकते हैं यहाँ पर तो आपके पास टाइम है जो ज़रूर यहाँ पे घूमने आई है तो हमारे पीछे की तरफ भी आप सकते हैं एक यहाँ एक मंदिर है शिवलिंग है यहाँ पर और यहाँ पर एक मंदिर है आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जो मेन राजबाड़ी का जो मेन मंदिर है ये है आप इसके हम तस्वीरें पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे तो ये रहा ये घंटी है तो चलो हम घंटी को बजाएंगे तो चलो घंटी में बजा चुका है तो हम ये रहा राजबाड़ी का सबसे बड़ा जो ये मंदिर चलो हम अंदर से दिखाएंगे यहाँ से बहुत सारा त्रिशूल है तो ये रहा तो हम उसके चारों तरफ नज़ारा दिखाएंगे ये देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं
इस तरह पत्थर की मूर्त है। तो यहाँ पे देखो कुछ बकरियाँ हैं, तो ये रहा। तो फिर हम यहाँ की तरफ प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से किस आर्किटी में आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो राजा महाराजाओं का ये जगह है। तो ये रहा, यहाँ में कुछ मूर्त भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मूर्त हैं ये। तो फिर यहाँ हम देख सकते हैं ये। तो फिर यहाँ से हमको छलांग मारना पड़ेगा। ये रहा, तो इस मूर्त में अभी देखा राम लिखा हुआ है, राम हरे कृष्णा हरे। तो बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सामने की तरफ और एक पौन है, पुखड़िया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मछली हरी भरी, बहुत पुराने काल के पुखड़ी, चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है यहाँ। चलो चलते हैं हम, और कुछ हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये रहा, तो ये देख सकते हैं। चलो अभी लौटने के लिए टाइम हो चुका है। तो वीडियो को अच्छा लगे से लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। शासन एडमिनिस्ट्रेशन की जो जगह पे आया है, इस पर आते हुए एक मेरे दोस्त है भैया है, उसमें से मुलाकात हो गया है। हम 2-3-4 बातें जानेंगे। कहाँ से आए भाई? जुगीजन कहाँ से रहने वाला है? शीतला मंदिर। शीतला मंदिर का। तो एक आप भैया कहाँ से? हम भी यही का, यही का है। तो ये पुराने जो ये जो मंदिर ये जो प्रतिमाएँ जो है कब से है ये सब? ये आज से लेकर 1000 साल पहले है। पहले का है, पहले से है। तो यहाँ पे मतलब क्यों ऐसा क्यों है? मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पत्थर है, तो बहुत पत्थर है। मतलब ये एंशियंट टाइम का जो राजा था ना, दुर्जय किंग, दुर्जय किंग, उसके बाद दिमासा किंग, इधर राज करते थे। हाँ, हाँ। तो पर इस पत्थर पर इसका जो मूर्त जो है अलग तरह का मूर्त है। ये क्यों है अलग तरह का मूर्त क्यों है इसका? ये टोटली अलग है, ऐसा मतलब आसाम का और कोई जगह में नहीं है। ये जब ईटा मिलता है यहाँ पे, देखिए ये जो आहुम डायनेस्टी है ना शिवसागर में, आहुम तो बाद में आया है, 1200-1300 में आया है आहुम। तो आहुम का पहले ये हुआ करता था। तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से ये जो डिजाइन है ईटा का, ये सब ये आर्किटेक्चर का, ये आहुम किंग लोग यहाँ से लेके गया है। तो काफ़ी पुराना है, तो बहुत पुराना है। तो हेलो दोस्तों, तो दोनों भाई से हम जानकर बहुत अच्छा लगा। आप सबको कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? देंगे सर, बोलिए। एक्चुअली यार जो हमारे भाई जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है, तो उनको इंस्पायरेशन कीजिए ताकि ऐसे आसाम के विभिन्न स्थानों में ऐसे जैसे कि वो लोग जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं, ऐसे जो हम लोगों को जो नॉलेज सोसाइटी को देना चाहते हैं, हम लोगों को इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके या व्यूज़ बढ़ा के उन लोगों का हेल्प ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम लोगों की समाज को ये सब मैसेज बहुत ही अच्छा तरह से जाए। तो वीडियो को कैसे लगा? तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएंगे, अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पे पुराना काल का जो शासन चलता है उसी जगह का हम नया नया कुछ ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरे वीडियो को और मेरा शायरी को और मेरा दोस्त जो यूट्यूबर है कैसे लगा? अच्छे लगने से क्या करना चाहिए सर? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें आप सभी। सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो यही बात चैनल। तो बहुत सो है गाइस, हम लोग मतलब सब यूट्यूबर आए हुए हैं यहाँ पे। सो तो हर यूट्यूबर का चैनल जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग जाके जरूर चेक कीजिएगा। और शायरी सुनने के लिए इसका चैनल में जाइए, और मणिपुरी में और दूसरा चैनल में मतलब ब्लॉग देखने के लिए इसका, और ये कवर वीडियो बनाता है बोल रहा है, तो कवर वीडियो देखने के लिए इसका चैनल में जाइए, और मेरे वीडियो में भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।